मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी पापा और ये गए हैं सब्जी मंडी सब्जी लाने, जैसे कि मोस्टली जाते हैं। और बाहर बहुत ठंडी हवा आ रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने चाय पी लिया मेरा। और बस अब ये लोग आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या नाश्ता बनेगा और क्या करना है। अमेज़ॉन से दो पार्सल भी आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको हम डेफिनेटली दिखाएंगे उसको, क्या हमने मंगवाया है, क्यों मंगवाया है, और देखेंगे। आई होप अच्छी चीज़ें आई हों, वरना कुछ प्रॉब्लम ना हो। नाश्ते की प्रिपरेशन के लिए मम्मी ने ये मूंग और ये चना भिगो के रख दिए थे, और इसमें अंकुरा ठंडी में आते नहीं है जल्दी, इसलिए इस कपड़े में ना लपेट के रखे थे। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके उसको हल्का सा स्टीम देंगे। और ये दूसरा है जो कि दूध में मखाना हम जो पकाते आजकल, ये बहुत इसमें कैल्शियम होता है वो। और इसमें जो हमारा सूप होता है, जैसे ठंडी में सूप बहुत अच्छा है, तो सूप की तैयारी के लिए सब्जियां उबाल रखी हैं। तो अब हम इसको जितना क्वांटिटी लेना है हमारे हिसाब से उतना लेके अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखो ये चना हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मम्मी पूजा करके आ जाएंगी तो मैं पूछ लूँगी कि उतना इनफ है या और कम ज़्यादा करना है, और वैसे कर लेंगे। मुझे बाहर बालकनी में जाने का बहुत मन है, लेकिन इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, तो वापस मुझे मफलर वगैरह या कुछ बांधना पड़ेगा, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ बाहर। देखो पूरा रूम पैक करके रखा है, डोर वगैरह कुछ भी ओपन नहीं किया है क्योंकि इतनी हवा आ रही है। देखो सब्जी मंडी से सब्जी आ गई है। ये कद्दू अकेले 5.5 किलो का है। देखो इतना मेहनत करके आए हैं पापा। चश्मा कहाँ है आपका? देखो ऐसा लग रहा है कि घर में फंक्शन है। देखो 5 किलो मटर, 2 किलो साग, 2.5 किलो गाजर, 2.5 किलो प्याज। सही में ऐसा लग रहा है जैसा कि अपने घर में बड़ा फंक्शन अपन करने वाले हैं। ये नीचे गए क्या और सामान लाने? बाप रे बहुत सामान है, भर गया। हमारा सूप भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आज का सूप है, कल पालक का था ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी में पालक था, आज है टमाटर और गाजर। ये हमारा दूध, इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा वरना आपने देखा होगा एक बार दूध गिर गया था। और मैं ना दूध गिर जाता तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती ना उसको साफ़ करने में, साफ़ बहुत करना पड़ता है, जितना दूध गिरने का दुख नहीं उतना साफ़ करने का झंझट, तो इसलिए अब थोड़ा हम दूध पे ध्यान देंगे। हाय गाइस, तो अब हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली हमारी एक गाड़ी थी बीट, तो वो हमने 2-3 महीने पहले बेच दी थी स्पिनी के थ्रू, तो आज उसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना है जो ओनर है उसके वो नाम पे। तो अभी हम और पापा जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में, तो वहाँ पे जाके उसका ट्रांसफ़र के लिए साइन करना है पापा को, ताकि गाड़ी के पापा ट्रांसफ़र हो जाए। और थोड़ा सा पैसा हमारा उसमें पेंडिंग था, वो ट्रांसफ़र करने के लिए वेट रखते हैं, तो जैसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वैसे ही स्पिनी वाले पैसे भी भेज देंगे। पर ओवरऑल अच्छी सर्विस थी स्पिनी की, घर पे आके सब चेक वेक किया था और घर से आके गाड़ी भी ले गए, पैसे भी अच्छे थे और मतलब सब कुछ अच्छा था। ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं RTO ट्रांसपोर्ट नगर, और अब हम आपसे मिलते हैं सीधे RTO में, क्योंकि आज सुबह हम सब्जी मंडी भी गए थे तो सब्जी वब्जी भी बहुत सारी लेके आए। शायद वो बबीता ने अगर शूट वूट किया होगा तो आपने देख ही लिया होगा। तो बस अब RTO चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देख सकते हैं ये हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही झील है, एक्चुअली ये बैकअप झील है, पर और आपको शायद वीडियो में दिखाया था कटौता झील, तो वो मेन झील है और ये भरवारा झील है, ये बैकअप झील है, मतलब उसको पानी देने के काम आती है जब वहाँ है। और इनको बड़ी जल्दी है तो इनको हम जाने देते हैं। देख सकते हैं ये रोड अभी तो खाली है थोड़ा सा,
पर आगे थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा जब हम वहाँ जाएंगे। इकाना स्टेडियम, ये है लखनऊ का इकाना स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप भी हुआ था और अफगानिस्तान यहीं पे खेलती है। और ये है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये वन ऑफ दी मतलब बड़े मॉल्स में से ये भी बना था, अभी 2-3-4 साल पहले बना है ये मॉल, प्रिस्टीन है ना, ये फिनिक्स मॉल है। और इसमें भी अच्छे अच्छे मतलब शोरूम्स और वो खुले हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप फिनिक्स, और अभी मैं आपको थोड़ी देर में आगे दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लखनऊ का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मॉल है और शायद वन ऑफ द बिग मॉल्स ऑफ इंडिया है। और वैसे भी लूलू आप जानते ही हैं सबसे बड़े मॉल्स बनाता है इंडिया में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लखनऊ, ये पीछे देख सकते हैं आप, ये है लखनऊ का लूलू मॉल। ये पूरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब आप वहाँ से जहाँ से मैंने दिखाना शुरू किया वहाँ से देखिए चलता ही जा रहा है और अभी आगे तक यहाँ पे आके लूलू मॉल ख़त्म होता है। और अभी फ़िलहाल हम ट्रांसपोर्ट नगर जा रहे हैं तो वो एक्चुअली आगे इसी रूट पे, ये शहीद पथ है और इसी रूट पे आगे एयरपोर्ट भी पड़ता है, तो हम एयरपोर्ट तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे राइट साइड पे ट्रांसपोर्ट नगर जहाँ पे आरटीओ ऑफिस है और अपना काम कराएंगे फिर वापस आएंगे। और तो फाइनली गाइस हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, मैंने अंदर शूट नहीं किया क्योंकि सब इधर उधर भाग दौड़ और पापा को साइन वाइन कराना था, तो उस टाइम कैमरा भाया ही नहीं। पीछे ही मेरे आरटीओ ऑफिस है, वो लाल बिल्डिंग आप देख रहे हो उसके पीछे, और जानते हैं आप सरकारी काम, लेकिन बहुत स्मूथ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ साइन कराने थे। साइन हो गए, पहले से ही सारा पेपर वर्क स्पिनी ने कंप्लीट कर रखा था तो हमें कुछ नहीं करना था, बस आके हार्डली 3 या 4 साइन कर दे, तो वो भी पहले एक ऑफिस में हमने बैठ के कर दिया और यहाँ पे आके पेपर सबमिट हो गया। तो बस अब हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर से निकलेंगे, मेरी गाड़ी में तेल भी नहीं है तो अभी तेल भी भराना है उसमें। बनाने वाले हैं निमोना, जो कि मटर को पीस के बनता है, सर्दियों में ये बहुत बनता है, ताज़े ताज़े जब मटर आते हैं तो ये उसका मसाला है। इसमें कोथमीर, मिर्ची, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये सब डाल के हम पीसेंगे। निमोना के लिए हमने जो मटर होता है इसको दरदरा एकदम पीस लिया है, और ये आलू भी हम निमोना में ही डालेंगे तो इसको पहले तल के निकाल लेंगे और फिर इसी में मसाले भून लेंगे। और निमोना, ये देखो एक तरफ हमने मटर और एक तरफ मसाले भुनने को रख दिए। हमने मसाले और निमोना को मिक्स करके पानी डाल के उबलने को छोड़ दिया है, और जब ये पक जाएगा तो उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ, तो पापा और ये कहीं गए थे काम से और आए हैं, तो आने में बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। ये आम पापड़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये इमली की चॉकलेट, और मेरा रोस्ट एक दिन लेट चल रहा है तो ये रोज़ ये भाई साहब लाए, मुझे तो लगा जिधर गए थे उधर से ही उनको मिला है, पर नई बंदा खरीद के लाए, मेरे को तो लगा खरीदा रहता नहीं रहेगा। और अब ये लोग को लगी है, शाम के हो रहे 5, ये लोग को लगी है भूख, और अब हमारे घर में चलने वाला है पानी पूरी, तो अब हम लोग पानी पूरी सैंडविच बनाने जा रहे हैं, सॉरी सैंडविच बनाने जा रहे हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देखो जैसे हमने बोला सैंडविच बनने वाला है, शाम को सबको भूख लग गई थी, तो ये हो गई हमारी चटनी टमाटर और कोथमीर की, और ये ब्रेड, ये सैंडविच। ये एक्चुअली मुंबई में हम लोग जैसा सैंडविच खाते कैसा होता, पतला पतला स्लाइस काटते और वो ना यहाँ पे एकदम ऐसा भुर्जी जैसा कर देते बारीक, और फिर घी लगा के फिर उसको टोस्टर में टोस्ट करेंगे। और देखो ये वाला ब्रेड इन लोग ने लाया, क्या मालूम किधर से लाया, इसके चारों तरफ ना कटवट करके दिया है तो झंझट नहीं,
मस्त है। और अभी ये लोग क्या करेंगे, चटनी लगा के। तो बिना चटनी वो पापा के नहीं। हाँ, बिना चटनी वाला पापा, क्योंकि पापा ना बिल्कुल भी तीखा नहीं खा पाते हैं, तो इसके लिए बिना चटनी वाला पापा के लिए बनाया है। और ये चटनी वाला इनके लिए। और ना एक्चुअली ककड़ी इसको पसंद नहीं है, ककड़ी वकड़ी, तो ले दे के फिर यही बचता है कांदा टमाटर। ये देखो तैयार। कितना घी बाबू, अरे ऐसे लगा। ये देखो कितना सही हो गया। मैं निकाल दे ला। हाँ हाँ निकाल दो, है ना, संभालना हाथ ऊपर से ना गिरे। तो अब ये निकाल देंगे और हम पापा को दे देंगे। चाय तो बनाई? हाँ चाय तो बनाई। हाँ जोर से बोलो, चाय तो बनाई ने? तो चाय तो 2 मिनट में बन जाती है, चाय को कितना टाइम लगता है। तुम तब तक दूसरा रखो, वो ब्रेड बनेगा, मेरी चाय रेडी हो जाएगी। ये पापा को चटनी के साथ दे के आओ, मैं चाय रखती हूँ। तो अब हम रखेंगे चाय।